दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो सियासी मैदान में कूच कर चुके हैं। भाजपा का नारा है कि सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार नारा दी है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। लाजपत नगर वार्ड नंबर 144 से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह मारवा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं आपके सारे व्यूअर्स को, अपने क्षेत्रवासियों को और सारे देशवासियों को हार्दिक प्रणाम करता हूं। अर्जुन मारवा, पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक युवा हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको क्षेत्र के लोगों से? देखिए जी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जिस तरीके से मेरे पिताजी मारवा जी ने सेवा करी है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम रोशन करा और देश की सेवा करी है, उन्हीं के बलबूते पे लोगों ने भरपूर हमें प्यार दिया है और आश्वासन दिया है कि हमारी जीत पक्की हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अर्जुन सिंह मारवा को वार्ड नंबर 144 की जनता आखिर क्यों चुने? अर्जुन सिंह मारवा जी, एक तो सबसे पहले वही लोकल बच्चा हूँ, उन्हीं किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ तो किसी का पोता हूँ, यूथ हूँ, वकील हूँ, जानकारी रखता हूँ, काम कराने का दम रखता हूँ और सबसे ज़्यादा चीज़ दिल से सेवा भावना है। इसी को बोलते हुए लोगों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए जी, क्योंकि आज ये चुनाव हम इधर उधर के काम करने के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों की सेवा करने के लिए कर रहे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है सेवा ही विचार, उसी को हम मानते हुए काम करते हैं। और क्या चुनौती लग रहा है आपको? एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, आप बहुत युवा हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, क्या चुनौती लग रहा है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि तीन कूड़े का पहाड़ एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा है, एमसीडी भ्रष्टाचार में संलिप्त थी 15 सालों से बीजेपी के साथ, आपको क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, उनका सिर्फ, वो दिल्ली में जब उन्होंने कांग्रेस कराया तब भी वो झूठ बोलते थे, वो आज भी झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। लेकिन लोग समझ गए, लोग बेवकूफ़ नहीं है जी। जो हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि हम कोई खोखली बातें नहीं करते, हम खोखला प्रचार नहीं करते, और वो केजरीवाल जी करते हैं, तो हम जानते हैं लोग उनके साथ नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामा, एक अपना वो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनका कोई लोगों में असर नहीं है। और लोग दिल से मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, और दिल से जो लोग भारत, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पे तमाम तरह के आरोप लगे हैं, वो जेल में हैं, दिल्ली की सरकार शराब पर घिरी हुई थी, ये सब भी मुद्दा है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा यही है जी, इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया था, आप खुद जानते हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली शहर नहीं, ठेकों की नगरी बन चुकी है, गली गली ठेके खोल दिए इन्होंने। अगर ये इन्होंने वापसी क्यों लिया, इनको पता था ये गलत है, इन्होंने करप्शन करी हुई है तभी वापसी लिया ना। अगर आज मेरे को पता है मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों कोई चीज़ वापसी लूँगा? ऊपर से बोल रहे ये हो गया वो हो गया, भैया लोग समझदार हैं, लोग अपने बच्चों का भविष्य, लोग चाहते हैं बच्चे पढ़ें, ना कि ये दारू और इन सब चीज़ों में लगें, ठीक है ना? क्योंकि वो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपने माँ बाप, अपने देश का हर चीज़ का नाम रोशन करेंगे। एक सवाल है कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, और पिछले दो टर्म से मुझे जहाँ तक याद है कि प्रवीण कुमार MLA हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ विकास वगैरह हुआ है? देखिए, ये तो आप घर घर चले जाओ, गली गली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई ये बोल दे कि प्रवीण कुमार दिखता कैसा है तो मैं आज ही वापसी चले लूँगा, अपना विड्रॉ कर लूँगा। आदमी जानता ही नहीं है जी, मैंने वो कहीं गए नहीं, घूमे नहीं, कहीं कुछ नहीं करा। वो आदमी जीतने के बाद हमने घर बैठ गए, उन्होंने बैठे हुए घर बना लिए, ये सब बना लिए, वो लोगों के बीच में नहीं रहे, ज़मीनी आदमी नहीं है, ज़मीन में आए नहीं, लोगों की कोई मदद नहीं करी, किसी के सुख दुख में खड़े नहीं हुए, ठीक है ना? और लोग उनको विधानसभा के चुनाव में वो दिखा देंगे, ठीक है ना? केजरीवाल जी लिख कर देते थे ना, तो हम भी लिख कर दे सकते हैं कि अगला विधानसभा का चुनाव 100% हार रहे हैं और यहाँ कमल का फूल खिल रहा है। अच्छा, आपको सब एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्षेत्र की जनता से आप मिल रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं और आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? जीत के अगर आप आते हैं, प्रत्याशी हैं, आप जीत जाते हैं, तो कौन सा वो काम है जो सबसे बड़ा? देखिए जी, सबसे पहली चीज, जितनी भी सेवाएं हैं ये हमारा कर्तव्य करना, ये हम किसी की सेवा नहीं करते, हमारा कर्तव्य, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बोला है, हमारा काम लोगों की मदद करना है, उनके बीच रहना है और हर तरीके से पूरा बल लगाकर उनकी सेवा करना है, ठीक है ना? हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लोग जो भी समस्या लाएं, किसी भी तरीके की, मैं एक नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता ये पार्क ठीक कराएंगे, वो तो हमारा करना कर्तव्य है, उसके अलावा कोई और भी लोग जिस मर्जी समस्या लाए, हम उसका हल निकाल के देंगे और लोगों की मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा कि आपके पिताजी कांग्रेस में रहे, 15 साल विधायक रहे, आप भी कांग्रेस से जुड़े थे और अब बीजेपी में आप आ गए हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं,
तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी तो दिख ही नहीं रही? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कुछ बचा ही नहीं है। दूसरी चीज जो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है उससे मैं और मेरा परिवार बहुत समय से उन्हीं की सोच में थे, ठीक है ना, प्रभावित थे। और उसके अलावा जो आदमी हमारी जिस पार्टी देश के लिए खड़ी है हम हमेशा तन मन धन से उसके साथ थे हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। तो ये थे अर्जुन मारवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कर्म है सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, इसी मुद्दे पर ये चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो क्षेत्र की जनता का भरपूर सेवा करेंगे।